भाजपा की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा गंगावार ने अपने बेटे व पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह उर्फ पिंटू के साथ बीते सोमवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी धीरज गुर्जर, बरेली जिला प्रभारी जितेंद्र कश्यप की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ली है, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें नवाबगंज से टिकट दिया है। उनके टिकट की घोषणा के बाद उनके समर्थकों में काफी खुशी है, मगर कांग्रेस के ही नेता हरीश गंगावार समेत कुछ नेता दिल्ली कांग्रेस कार्यालय पर धरने पर बैठे थे। गुरुवार को सभी पार्टी कार्यालय श्यामगंज में मौन धरने पर बैठ गए थे और उनका कहना था कि कांग्रेस पुराने वफादार लोगों के बजाय बाहर से आने वालों को टिकट दे रही है। धरना देने वालों में नवाबगंज से टिकट मांग रहे डॉक्टर हरीश गंगावार, बिथरी चैनपुर से टिकट मांग रहे थे और कमर गंगनी व उनके समर्थक भी हैं। बता दें कि लगातार कांग्रेस में अब उहापोह की स्थिति देखने को मिल रही है। उषा गंगावार ने बताया है कि उनका परिवार राजनीतिक तौर पर लगातार पार्टी में सक्रिय रहा है और विधायक केसर सिंह कोरोना से मौत होने के बाद पार्टी के लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, अलावा इसके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट भी नहीं दिया। पार्टी के लोगों से संपर्क करने पर उपेक्षा की गई, जिसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व उनके नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से प्रेरित होकर कांग्रेस की सदस्यता ली है। पार्टी ने उन्हें नवाबगंज से टिकट दिया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।